Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about.

नाउ दे आर being रेस्क्यूड by डिफरेंट एजेंसीज लाइक crpf bsf and state and national disaster एंड स्टेट एंड नैशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अब ये न्यूज़ अपने आप में अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है द फिनिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट हमें समझना होगा कि ये कैसे होता है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सबसे पहले समझते हैं क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली होता क्या है क्लाउड बर्स रेफर्स टू ए फिनमििना वेयर देर इज एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत कम समय में बहुत जोर से बारिश हो वो भी एक किसी लोकलाइज रीजन में एक स्मॉल एरिया में तो वैसे हालात को हम लोग कहते हैं क्लाउड बर्डस्ट एंड नॉर्मली क्लाउड बर्ड्स आर एक्म्पनीड बाय हेल एंड थंडर्स एज वेल तो जोर जोर की बिजली गरजती है कभी कभार ओले भी गिरते हैं इन क्लाउड बर्ड IMD ने टेक्निकल डेफिनेशन दे रखा है क्लाउड बर्स्ट का तो वो भी हमें समझना चाहिए एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन रेनफॉल या स्नोफॉल इन एक्सेस ऑफ 100 मिलीमीटर mm और 10 सेंटीमीटर पर आर तो इतनी रेनफॉल या स्नोफॉल हो जाए 100 मिलीमीटर mm की या 10 सेंटीमीटर की एक घंटे में एंड दैट टू इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन ऑफ अबाउट 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्लाउड बर्ड्स लोकलाइज रीजन में हेवी रेनफॉल कहाँ होते हैं क्लाउड बर्ड्स ज्यादातर वो भी जरा समझते हैं तो देखिए क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर हिली रीजन्स में होते हैं और वो भी विंडवर्ड साइड में तो विंडवर्ड साइड क्या होता है वो समझिए तो जैसे तरह से हवा चलती है तो जिस डायरेक्शन में हवा क्लाइंब करती है इस रीजन को हम लोग कहेंगे विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन और दूसरा साइड जहां पे हवा डिसेंड करना शुरू कर देती है वेयर द एयर पैकेट स्टार्ट डिसेंडिंग इसको हम लोग कहते हैं ली वर्ड साइड तो क्लाउड बर्स्ट इज जनरली एसोसिएटेड विथ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन सिंपली मीन्स रेनफॉल बिकॉज ऑफ माउंटेंस आई होप यू नो ओरोज़ मीन्स होता है माउंटेन्स तो माउंटेंस के कारण बारिश क्यों होती है ये फिनोमिना आपको पता होगा अगर आपने बेसिक जोग्राफी के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो देखिए बिकॉज ऑफ़ द माउंटेंस होता क्या है कि अगर कोई विंड ऐसे चल रही थी बीच में अगर माउंटेन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो विंड स्टार्ट्स राइजिंग और जब विंड राइज करता है तो बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ़ द सराउंडिंग एयर ये जो विंड है दैट इज मेड अप ऑफ एयर पैकेट्स सीक्वेंस ऑफ एयर पैकेट्स उनकी एयर पैकेट्स की टेम्परेचर कम होने लगती है सरल भाषा में कहें तो आपको तो ये बात तो पता है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता है एटमोसफेयर का तो ये जो हवा ऊपर जा रही है माउंटेंस के विंडवर्ड साइड में इस हवा का भी टेम्परेचर कम होगा और हवा का टेम्परेचर कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आसपास की जो एटमोसफेयर है वो ठंडी है जब हवा का टेम्परेचर कम होगा दूसरे भाषा में कहें तो एयर पैकेट्स का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम होगी एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग हाइयर द टेम्परेचर मोर इज द कैपेसिटी ऑफ एन एयर पैकेट टू होल्ड मॉइस्चर तो हवा ठंडी होगी तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी जब मॉइस्चर होल्ड करने की कैपैसिटी से कम होगी तो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल एंड दैट लीड्स टू ह्यूज रेनफॉल Sometimes on the windward side of the mountains because of the climbing up of the air. एयर वही अगर leeward side की बात की जाए जहाँ पर हवा नीचे उतरती है air packets descend करते हैं तो यहाँ पर नीचे जाने पर धीरे धीरे air packet का temperature बढ़ता है और temperature बढ़ने के कारण उसकी moisture holding capacity बढ़ती है और यही कारण है कि ली वॉर्ड साइड में वो एयर पैकेट अपने अंदर से मॉइस्चर को रिलीज नहीं कर पाएगा रैदर इट विल स्टार्ट एब्जोरबिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन और यही कारण है कि लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं होता है विंडवर्ड साइड में ह्यूज रेनफॉल होता है और कभी कभार इतनी ज़्यादा बारिश होने लगती है और ऐसे लॉन्ग कॉलम्स ऑफ क्लाउड बनते हैं जिसको हम लोग निम्बस क्लाउड कहते हैं और इतनी तेज़ बारिश हो जाती है एक पर्टिकुलर लोकलाइज रीजन में कि उसको फिर हम लोग कहते हैं क्लाउड बर्ड्स पॉइंट यह है कि क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर हिली रीजन में होता है उसके भी विंडवर्ड साइड में लोकलाइज एरिया में हेवी रेनफॉल एंड इट इज एसोसिएटेड विद स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स नोन एज क्यूमिलोन क्लाउड अभी क्लाउड बर्स्ट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या इंपैक्ट हो सकता है देखो होता क्या है लैंड स्लाइड्स अब हेवी रेनफॉल होगा तो यहां से लैंड स्लाइड्स भी हो सकता है मड स्लाइड्स तो लैंड के साथ साथ मड फ्लो हो सकता है देखिए इस मड फ्लो के कारण ये जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में मड फ्लो के कारण कैसे हालात बन गए हैं लैंड केविंग कहीं कहीं पे लैंड धंस जाती है इस तरीके से फ्लैश फ्लड एकाएक से मैसे फ्लड आ जाता है किसी रीजन में तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट मैंने आपको एक यूपीए से फिल्म टू का सवाल दे रखा है वो एग्जैक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है बट इट इज़ समहाउ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस्ड हियर कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है अगर एयर पैकेट का टेम्परेचर कम हो जाए तो और इस कारण से वहाँ पर रेनफॉल होता है ड्यू भी इसी फैक्टर से बनता है तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है जो यू ने अपने प्रलम्स 2019 में पूछा था कि वाई ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कामेंट सेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पॉलिटिकल क्राइसिस इन श्रीलंका एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जी एस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सबको तो मैं कम से कम दो तीन इस टॉपिक पे आर्टिकल्स कवर कर चुका हूँ इन पास्ट सिक्स मंथस जहाँ पर मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के अंदर मैसिव या सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इन्फ्लेशन इज़ क्विट हाई श्रीलंका के ऊपर इंटरनेशनल डेट काफ़ी बढ़ चुका है इनफैक्ट श्रीलंका ने दो हज़ार इक्कीस के सेप्टेम्बर में ही इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था उसके फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं हाल फिलहाल में अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन वास 54.6 परसेंट इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द कमिंग मंथ्स इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट समवेयर क्लोज टू 70 परसेंट मीन्स श्रीलंका इज रीलिंग अंडर सम सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कारण है इन इकोनॉमिक फेलियर्स का या क्या कार फैक्टर्स हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे सबसे पहला फैक्टर तो है फेलियर ऑफ़ टूरिज्म देखिए श्रीलंकन इकनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था टूरिज्म टूरिज्म से वो बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कमाते थे लेकिन टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिला है श्रीलंकन टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिला है बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स एक तो वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स हुए थे ईस्टर के ओकेजन पे इन टू और जहाँ जिस भी कंट्री में टेररिज्म बढ़ता है या टेरर रिलेटेड अटैक्स होते हैं नेचुरली वहाँ पर टूरिज्म कम होगा फिर कोविड पैंडमिक के टाइम में बचा खुचा टूरिज़्म भी डिस्ट्रॉय हो गया एंड दैट हैड मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ श्रीलंका उसके अलावा श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट फैमिली है राजपक्षा आपको पता है कि अर्लियर महिंदा राजपक्षा वाइस प्रेसिडेंट फिर अभी गोटबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट थे तो ये राजपक्षा फैमिली इज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स एंड महिंदा राजपक्षा जब प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 2005 थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड फिफ्टीन उस टाइम में श्रीलंका की जो पॉलिसी थी इट वॉज़ हेवली टिल्टेड इन फेवर ऑफ चाइना और चाइना से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन भी लिया था चाइना तो एज़ यू ऑल नो फॉलोज चेकबुक डिप्लोमेसी बहुत आसानी से लोन दे देता है किसी भी देश को और उसके बाद वो फॉलो करता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जब लोन देता है उसके बाद सामने वाले देश को वो लोन में फंसा लेता है फिर अलग अलग उनसे डील्स अग्री कराता है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री तो ऐसा ही हुआ श्रीलंका के साथ भी श्रीलंका को मैसिव लोन दिया चाइना ने फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल मैसिव लोन वॉज गिवेन टू डेवलप मेरगा पोर्ट सिटी ऑफ हम्बन तोता विच इज़ इन द सदर्न रीज़न ऑफ श्रीलंका श्रीलंका जब लोन नहीं चुका पाया तो फिर हम बन तो पोर्ट वॉज टेकन अप बाई चाइना फॉर नाइन्टी नाइन ईयर्स लीज़। तो इस तरीके से श्रीलंकन इकोनमी गॉट इंगेज इन टू और गॉट ट्रैप्ड इन टू डेट ट्रैपड डिप्लोमेसी ऑफ चाइना और अभी भी श्रीलंका को लगभग तीन बिलियन डॉलर के आसपास चुकाना है चाइना को विच इज अवज अमाउंट कंसिडरिंग द फॉरेक्स रिजर्व करेंटली अवेलेबल विथ श्रीलंका तो श्रीलंका के पास हार्डली 1.5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है और उसको तीन बिलियन डॉलर चाइना को लौटाना है उसके अलावा एक और मैसिव गलती की इन्होंने ब्लंडर किया उन्होंने वो था इनकी सरकार ने फैसला लिया लास्ट ईयर कि श्रीलंका विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू तो गो हंड्रेड ऑर्गेनिक फार्मिंग तो श्रीलंका विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो फॉर हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया और इसके कारण एक नीजर्क रिएक्शन हुआ दैट वॉज अ सडन चेंज एंड दैट सडन चेंज लीड टू शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड दैट लीड टू एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन और एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन के कारण बाकी सारे सेक्टर में भी इन्फ्लेशन आया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इस तरीके का इससे बाकी सारे देशों के लिए भी एक सीख है लर्निंग है कि हाउ सो एवर गुड अप्रोच इट मे बी हाउ सो एवर लुकरेटिव ऑल्टरनेटिव इट मे अपीयर बट वन शुड नेवर गो फॉर हार्ड लैंडिंग और नीजरक अप्रोच देर शुड बी ऑलवेज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर भाई आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी भी थी तो धीरे धीरे फेज आउट करते देर वॉज नो पॉइंट ऑन ऑफ गोइंग इन टू शार्प चेंज इन द अप्रोच और इन सब कारणों से हाई डेट के कारण टूरिज्म के फेलियर के कारण फॉरेक्स रिजर्व तो खत्म होने पे आया है बीओपी क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में और बीओपी क्राइसिस के बाद होता क्या है सोचो जब आपका फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है तो नेचुरली आपकी जो लोकल करेंसी है वो डेप्रिसिएट होगी तो श्रीलंकन रूपी हैज़ डेप्रिसिएटेड हेविली है और जब लोकल करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो उससे क्या होता है ये आपको पता होगा अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ रखा है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट चीप हो जाता है एंड दैट इज़ हाउ एक्सपोर्ट कैन कैप्चर द फॉरेन मार्केट्स लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए श्रीलंकन इकोनमी के अंदर प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए जो हो नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इन जनरल लेकिन एक्सपोर्ट का फ़ायदा तो श्रीलंका उठा नहीं पा रहा है इम्पोर्ट घट जाता है इम्पोर्ट इसलिए घट जाता है बिकॉज इम्पोर्ट बिल बिकम्स हाईयर राइट और इम्पोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट घट जाता है बिकॉज इम्पोर्ट बिल हैज़ गॉट हाईयर और इम्पोर्ट बिल कम हो जाए इम्पोर्ट कम हो जाएगा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो नेचुरली हो क्या रहा है ध्यान से समझो देश से सामान बाहर ज़्यादा जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गया लेकिन इम्पोर्ट हो नहीं रहा है तो देश में सामान की कमी हो जाएगी चीज़ों की कमी हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की कमी हो जाएगी एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन तो बीओपी क्राइसिस का अगला इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन जो श्रीलंका के अंदर देखा जा रहा है अब करंट न्यूज क्या है लगभग तीन महीनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे श्रीलंका के अंदर वहाँ पे अगेंस्ट द करेंट गवर्नमेंट एंड इट्स फेलियर इन कर्बिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका अभी तीन महीने बाद अबाउट आफ्टर 92 टू डेज ऑफ द प्रोटेस्ट नाउ प्रोटेस्टर्स हैव इंटर इन टू प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड देव थ्रॉन्ग डिन टू द ऑफियल रेजिडेंस वहाँ पर घुस करके जो मर्जी आए वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन आप सोचिए जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है उनका प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस में लोग इस तरह से घुस गए हैं जस्ट टू एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन दे हैव डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इनफैक्ट दे हैव डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे ऑल्सो बिकॉज द करेंट सीनाज रिफ्लेक्टिंग कम्प्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका बोथ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका फॉलो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं इन ज्वाइंट फॉर्मेट तो दोनों का ही रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स और इनफैक्ट न्यूज निकल के आ रही है कि दोनों ने रिजाइन कर भी दिया है एंड न पॉलिटिकल पार्टीज आर लुकिंग फॉर सम इंटरिंग गवर्नमेंट इन श्रीलंका इंडिया का क्या रेस्पांस है ऐसे हालात में देखिए इंडिया ने अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा कौशन मेंटेन किया है बट इंडिया इज़ क्लोजली वॉचिंग द डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन श्रीलंका क्यों ऐसा कर रहा है और क्या चैलेंजेज हो सकते हैं इंडिया के लिए वो समझिए किसी भी देश में जब पावर वैक्यूम होता है तो फिर वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे ड्रग ट्राफिकर वगैरह या रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं जैसे कि अरब स्प्रिंग में हमने देखा या इराक में सद्दाम हुसैन के फॉल के बाद हमने देखा देर वॉज राइज ऑफ आइसिस इन इराक एंड लेवान्थ रीजन तो पावर वैक्यूम का मतलब जहाँ पे सरकारें गिर जाती हैं वैसे हालात को हम कहते हैं पावर वैक्यूम जहाँ पे सरकारें जो हैं इनस्टेबल हो जाती हैं गिर जाती हैं अरब स्प्रिंग केस में हमने देखा सरकारें जब गिरी या इराक के केस में हमने देखा जब भी पावर वैक्यूम होगा तो इस तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं और श्रीलंका में अब पावर वैक्यूम है एंड दैट इज़ हाउ श्रीलंका कैन बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंटी सोशल एंड टेरर एक्टिविटीज़ एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज क्लोजली ऑब्जर्विंग क्योंकि वहाँ पर इस तरह के एक्टिविटीज़ राइज होंगी तो दैट विल हैव डायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया दूसरा इंडिया ने अपने तरफ से श्रीलंकन इकॉनमी को रिवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं फॉर एग्जाम्पल पहले भी कई सारे स्टेप्स लिए जो मैं करा चुका हूँ बता चुका हूँ जैसे कि वन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का लोन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया ये सब मैं बता चुका हूँ तो आ, आ, अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए वो जरा देखते हैं इंडिया ने कहा है कि श्रीलंका अपने जितने भी सेटलमेंट्स हैं इंडिया के साथ उसको इट कैन डू आउटसाइड एशियन क्लियरिंग यूनियन ए सी यू से बाहर अपने सेटलमेंट कर सकता है ट्रांजैक्शंस के अब ये ए सी यू क्या है इसको हमें समझना होगा उसके बाद फिर इस मुद्दे पे आएंगे कि इससे क्या फायदे होंगे देखिए इट इज ए काइंड ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन इज ए काइंड ऑफ पेमेंट अरेंजमेंट अमंगस्ट सेवरल एशियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश भूटान इंडिया ईरान मालदीव म्यांमार नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका तो आपस में पेमेंट अरेंजमेंट का सिस्टम है एशियन क्लियरिंग यूनियन यहाँ पे पेमेंट नेट बेसिस पे होता है मतलब आपस में ट्रेड हुआ बांग्लादेश भूटान इंडिया के ईरान इन सब देशों के बीच में तो कुछ पेमेंट करना है आपके यहाँ से पचास डॉलर का सामान आया हमने आपके यहाँ पे चालीस डॉलर का सामान बेचा तो फिर ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन होता है इसे एशियन क्लियरिंग यूनियन की मदद से वो नेट बेसिस पे होता है नेट बेसिस का क्या मतलब ज़रा समझो देखो एक होता है ग्रॉस सेटलमेंट पार्टी ए ने पार्टी बी को दिया 500 डॉलर पार्टी बी ने फिर पार्टी ए को दिया हज़ार डॉलर मतलब इसको इसने बी के साथ कुछ सामान खरीदा पाँच डॉलर का तो पाँच डॉलर दिया ए के साथ इसने सामान खरीदा तो हज़ार डॉलर दिया तो ये होगा ग्रॉस सेटलमेंट एक होता है नेट सेटलमेंट भाई आपने 500 का सामान दिया इसने हज़ार का सामान दिया तो नेट बी को कितना देना था पाँच सौ डॉलर देना था तो बी ने पाँच सौ डॉलर दे दिया ए को तो ये है नेट सेटलमेंट एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो नेट सेटलमेंट कराता है अमंगस्ट दीज एशियन कंट्रीज़ मान लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ जिसमें से बांग्लादेश ने इंडिया में थर्टी बिलियन डॉलर्स का बेचा और इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर सेवेंटी बिलियन डॉलर का सामान बेचा तो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन के बजाय ओवरऑल बांग्लादेश विल गिव 40 बिलियन डॉलर्स टू इंडिया ऐसे तो 40 बिलियन डॉलर इज ह्यूज अमाउंट फॉर बांग्लादेश इकोनमी मैंने बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया है तो दैट इज़ नेट सेटलमेंट तो ये एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है नेट सेटलमेंट कराता है अमंगस्ट डिफरेंट एशियन कंट्रीज इससे फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग देशों की जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है ट्रांसफर कॉस्ट हर बार जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कुछ खर्चा होता है तो ट्रांसफ़र कॉस्ट पे बचत होती है और फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कब बच जाती है ठीक है भाई आपको मुझे पेमेंट करना है मुझे आपको पेमेंट करना है तो नेट अमाउंट पेमेंट कर दिया अदरवाइज़ इस केस में पहले पार्टी ए को 500 डॉलर देना होता फिर हज़ार डॉलर मिलता तो अभी नेट में कैसा है कि इसको 500 देना ही नहीं पड़ेगा सीधा सीधा इससे मिल जाएगा पैसा सो इस तरीके से फॉरेक्स रिज़र्व में बचत होती है और खासकर ट्रांसफ़र कॉस्ट बचता है आपको अपने जेब से अगर आप पैसा पा रहे हैं तो अपने जेब से कुछ नहीं देना आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ये सब फ़ायदे हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन के अभी इंडिया ने श्रीलंका को कहा है कि इंडिया श्रीलंका जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आने वाले टाइम में वो एशियन क्लियरिंग यूनियन से बाहर में कर सकते हैं मतलब आउटसाइड दिस सिस्टम हम कर सकते हैं ऐसा क्यों किया है इंडिया ने वो ज़रा समझते हैं इंडिया ने श्रीलंकन इकोनॉमी की मदद करने के लिए एशियन क्लियरिंग यूनियन से बाहर सेटलमेंट करने का फैसला लिया है ताकि हम कुछ पेमेंट श्रीलंकन रुपी में ले ले क्योंकि अभी एशियन क्लेरिंग यूनियन में जो भी सेटलमेंट होगा पेमेंट होगा वो फॉरेक्स हार्ड करेंसी में ही होगा जैसे डॉलर में येन में युआन में उसी में होता है लेकिन अभी तो श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं इन हार्ड करेंसीज में तो अभी इंडिया क्या करेगा श्रीलंका से जो भी पैसा लेना है जो भी मान लो सामान हमने एक्सपोर्ट किया श्रीलंका में उसके बदले में हमने श्रीलंका रुपी में पैसा ले लिया अब ये श्रीलंकन रूपी में पैसा हम ए में नहीं ले सकते थे इसलिए हमने आउटसाइड ए सी यू श्रीलंकन रुपी में पैसा ले लिया इस श्रीलंकन रूपी का हम इस्तेमाल करेंगे तब जब श्रीलंकन इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी उस टाइम में इस श्रीलंकन रूपी की मदद से श्रीलंका से कुछ सामान हम वापस खरीद सकते हैं राइट नाउ देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर सेटलमेंट विथ श्रीलंका इन हार्ड करेंसी बिकॉज श्रीलंका इज लेफ्ट विथ हार्डली वन बिलियन डॉलर ऑफ हार्ड करेंसी कहाँ इंडिया के पास लगभग 600 इस पॉन पॉन बिलियन डॉलर है श्रीलंका इज लेफ्ट विथ ओनली 1.89 बिलियन डॉलर्स तो जो भी मैंने डिस्कशन किया था कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है मैंने आपको बताया कि इम्पोर्ट महंगा हो जाता है एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है इम्पोर्ट महंगा होगा तो इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा ये सब चीज़ों के बेसिस पे ओवरऑल देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है उसके बेसिस पे ये प्रम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्कल इज अबाउट जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जी एस पेपर थ्री इन एन इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेगमेंट तो देखिए पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं फिर समझेंगे इस कंटेंट के बारे में हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्क्लेव को अड्रेस किया इन वर्चुअल मेड इन वर्चुअल मोड इन सूरत तो इस कॉन्क्लेव का मेन कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट क्या था उस पर इन दिस कॉन्क्लेव ही आज टॉकिंग अबाउट एन इनिशिएटिव टेकन इन सूरत जहाँ पे हर पंचायत में 75 फार्मर्स को ट्रेन किया गया है इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सूरत के अंदर दैट कैन बिकम एन एग्जाम्पल फ़ॉर इंटायर कंट्री और अगर जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग पूरे इंडिया भर में प्रैक्टिस होने लगी तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आर सॉयल प्लस इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ आर फार्मर्स अब ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि सूरत में हुआ और वहाँ पर सेवेंटी फाइव फार्मर्स को कनेक्ट किया गया हर एक पंचायत से जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग के लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट हो जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इससे फ़ायदे होंगे ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है तो क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वो समझते हैं इट इज़ ए केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो नॉर्मली हम लोग जो भी फ़र्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उससे फ्री वो सारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो केमिकल से बने हैं अलग अलग तरह के केमिकल्स उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का इट वाज डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर इन मिड नाइन्टीज़ एंड ही डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट एज एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन रिवॉल्यूशन क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो एच सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था आज भी किया जाता है इनमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से हमारे सॉइल की फ़र्टिलिटी भी घटती है और फार्मर्स का ओवरऑल इनपुट कॉस्ट भी बढ़ता है उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है तो अभी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में लो कॉस्ट इनपुट्स लगाते हैं फार्मर्स हमारे उसमें इनको हाई इन हाई कॉस्ट वाले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स नहीं लगाना होता है लो कॉस्ट इनपुट्स जैसे कि डंग या फिर जो एजेड काउज की यूरन्स या जैकरी पल्सेस फ्लोर या प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट्स जो डेड प्लांट्स उनके रिमेनिंग पार्ट्स इन सब का इस्तेमाल कर करके हम लोग लो कॉस्ट फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स बनाते हैं लो कॉस्ट इनपुट बनाते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे फार्मर्स करते हैं और इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फॉर एग्ज़ाम्पल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में अगर पेस्टिसाइड बनाना है तो पेस्टिसाइड भी अलग अलग लेवल का बनता है जैसे अस्त्र ब्रह्मास्त्र या नीमास्त्र सब में करना क्या होता है कि काऊ यूरिन काऊ डंग टोबैको फ्रूट ग्रीन चिली गार्लिक नीम इन सब का अलग अलग कॉम्पोजिशन से अलग अलग तरह का पेस्टिसाइड बनता है एक पेस्टिसाइड तो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं केमिकल वाला ये पेस्टिसाइड्स जो हैं वो इन सब तरह के कॉम्पोजिशन से काऊ यूरिन वगैरह काऊ डंग ये ऑल सच थिंग्स आर नोन फॉर देयर एंटीसेप्टिक सेप्टिक और एंटीपेस्ट नेचर काउ यूरिन डंग तो आप जानते ही हैं टोबैको फ्रूट्स तो इन सब का अलग अलग कॉम्पोजिशन से अलग अलग लेवल का पेस्टिसाइड बनता है अस्त्र ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र बात की जाए यहां पे हो गई पेस्टिसाइड की बात बात की जाए सॉयल को हमारे या प्लांट्स को हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की तो हम लोग नॉर्मली केमिकल बेस्ड न्यूट्रियट खरीद के लाते हैं जिसको हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं यूरिया डैप उसके बदले में यहाँ पे न्यूट्रिय प्रोवाइड किया जाता है थ्रू डिफरेंट अप्रोचेज लाइक बीजामृत जीवामृत अच्छादन या वापस तो क्या है बीजामृत बीजामृत में क्या करते हैं कि सीड्स को काउ यूरिन और डंग से मिला करके सीड्स को हम लोग प्लांट करते हैं तो डंग से होता क्या है कि थोड़े से आ, आ, जो आस पास के जो इंसेक्ट्स होते हैं दो इंसेक्ट्स हु हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो इंसेक्ट्स उस डंग के आसपास आते हैं और एटमोसफियर से नाइट्रोजन लेकर के सीधा सीधा प्लांट्स को देते हैं सो दिस इज़ हाउ फर्टिलाइजर का काम हो जाता है जीवामृत में कैसा होता है डंग या जैगरी सीधा सीधा प्लांट्स के रूट्स में डाल दिया जाता है अच्छादन अच्छादन इज़ मल्चिंग मल्चिंग आपको समझना चाहिए होता क्या है कि मान लीजिए जब खेती का सीजन नहीं है तो खेत को अगर ओपन छोड़ दिया जाए बेयर छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वहाँ पे मॉइस्चर लॉस हो सकता है और मॉइस्चर लॉस होने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल का डिजर्टिफिकेसन हो सकता है तो उस केस में क्या किया जाता है डेड प्लांट्स या डेड लीव्स को सॉइल के ऊपर फैला दिया जाता है उसी को हम लोग कल कहते हैं मल्चिंग या अच्छादन विच इज़ अ पार्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे डेड प्लांट्स या लीव्स को फैला दिया जाता है सॉइल पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं मॉइशर रिटेंशन के लिए फिर है वापस वापस इस जब हम सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट मिलाते हैं जैसे प्लांट या डेड प्लांट्स या डेड एनिमल के कारकासेस को मिलाते हैं उससे कैसा होता है सॉइल्स को सीधा सीधा न्यूट्रियट मिलता है अब एक न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइजर डाल करके डैप फर्टिलाइजर या यूरिया डाल करके एक है डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को डाल करके डेड एनिमल डेड प्लांट में भी तो नाइट्रोजन है कार्बन है हाइड्रोजन है तो ये सब न्यूट्रियट सीधा सीधा प्लांट्स को मिलता है थ्रू दिस मेथड तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कई सारे फ़ायदे हैं ऑफ कोर्स फार्मर्स का इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा नॉर्मली फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में ज़्यादा खर्चा लगता है सॉइल का इकोसिस्टम ओवरऑल नेचुरल तरीके से इम्प्रूव होगा बैक्टीरिया ऑफ काउ डंग एजेसिड डिकम्पोजिज द ऑर्गेनिक मटर इन द सॉयल एंड मेक सॉयल फॉर द प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो सॉयल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इट डिक्रीजेज द डिजीज अटैक रिस्क ऑन द क्रॉप्स बहुत बहुत पेस्टिसाइड्स का नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है हमारे क्रॉप पर धीरे धीरे जो पेस्ट होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट होने लगते हैं और फ्यूचर में फिर वो वो पेस्टिसाइड्स काम नहीं करता है तो ठीक वैसे ही इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंसानों में डेवलप हो जाता है वैसे ही ज़्यादा पेस्टिसाइड डेवलप करने से जो पेस्ट होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं फिर क्रॉप्स को अटैक करते हैं ओवरऑल हमारे फार्मर्स के ऊपर जो डेट है वो कम होगा तो एज़ पर एन एस एस ओ रिमेंबर दिस डाटा इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर एन एस एस ओ अब तो एन एस एस ओ है नहीं एज़ पर एन एस एस ओ ये टू थाउजेंड सेवेंटीन का डाटा है सेवेंटी परसेंट प्लस फार्मर्स इन इंडिया स्पेंड मोर देन वट दे अर्न एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डेट हमारे फार्मर्स इसी उम्मीद में खेती करते हैं कि किसी इस साल प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन ज़्यादातर सत्तर प्रतिशत फार्मर्स को नुकसान ही होता है ज़्यादातर केसेज। में और इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है कुछ हद तक उनके उधार को कम किया जा सकता है और फिर जा करके हमारे जो सरकार का गोल है तो डबल फार्मर इनकम बाय 2022 उसको अचीव किया जा सकता है लेकिन थोड़े बहुत क्रिटिसिजम भी हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडीज इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी अभी तक नहीं की गई है इट विल एक्चुअली और इट कैन एक्चुअली बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सेकेंड माइक्रो न्यूट्रियट को ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में अड्रेस नहीं किया जा सकता माइक्रो न्यूट्रियट डेफिशियंसी क्या होता है हमारे प्लांट्स को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो क्योंकि वो लार्जर अमाउंट में लगता है, nitrogen, sulfur, है जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कुछ होते हैं माइक्रो जैसे बोरोन कॉपर आयरन क्लोराइड मैगनीस मॉलिविडनम एंड जिंक ये माइक्रो न्यूट्रिय क्योंकि कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हमारे प्लांट्स या सॉयल को माइक्रो न्यूट्रियट मिलने का कोई स्कोप नहीं है मैक्रो तो मिल जाता है फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बट माइक्रो नहीं मिल पाता है उसके अलावा लैक ऑफ नेटिव काउस तो सुभाष पालेकर साहब जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया है उनका कहना है कि हमें अपने देश की देसी गायों का काऊ यूरिन और डंग का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लेकिन इतनी देसी गायें हैं ही नहीं हर जगह पे और इस कारण से फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन हो जाता है बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू नेटिव काउज एक बात आपको और समझनी है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग डोंट कन्फ्यूज द टू ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे डेड एनिमल प्लांट्स वगैरह सब डालते जाते हैं इकट्ठा करते जाते हैं वहाँ पे कुछ फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डालते हैं हम लोग या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी डालते हैं जो उन डेड प्लांट्स और और एनिमल्स को डिकम्पोज करें और फिर जाकर के वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनता है मतलब एक स्पेशल तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है तो किसी एक अलग जगह पे हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया और उसको ला करके फिर हम लोग प्लांट्स और और खेतों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट खेतों में हम लोग फिर उसको स्प्रेड करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे कंपोस्ट काउडंग वर्मी कंपोस्टर यूज एंड इसको कैसा कि फिर ला के हम खेतों में मिलाते हैं लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर इज यूज कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा बस आप क्या कर रहे हैं कि काउडंग लाया डाल दिया थोड़े से गुड़ लाया डाल दिया तो कोई एक्सटर्नल बार से ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर बना के लाया जा रहा है अब एक होता है केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में बस यही अंतर है कि केमिकल फर्टिलाइजर ना डाल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला जा रहा है यहाँ पर फर्टिलाइजर डाला ही नहीं जा रहा है यहाँ पर यही सब काउडंग वगैरह डाला जा रहा है दूसरा मुख्य अंतर ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिलिंग तो फिर भी की जाती है मतलब प्लाउिंग वगैरह ये सब तो फिर भी की जाती है लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में नो टिलिंग नो मिक्सिंग इज़ डन इट इज़ लो कॉस्ट फार्मिंग ड्यू टू लोकल इको सिस्टम इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लोकल इको सिस्टम जो भी लोकली मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जाता है इट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ बल्क मैन्योर्स बाहर से ऑर्गेनिक मैन्योर्स खरीदना होता है आपने देखा ना श्रीलंका इकानमी क्रैश कर गया बिकॉज दे डिसाइडेड टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट चीप इनफैक्ट आप देखते हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मेन्योअर्स बनाना ज़्यादा महंगा होता है so this is how it is not cheaper it is rather expensive the next article is about Jal Jeevan Mission जीवन मिशन इज असाम एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जी point of view फाइव असाम इज जल जीवन मिशन का मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ 15 अगस्त 2019 हजार उन्नीस को इंडिपेंडेंस डे दे स्पीच देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था इसका मुख्य गोल है कि हमारे देश के सारे रूरल हाउस को टैप वाटर सप्लाई दिया जाए टैप वाटर सप्लाई दैट इज ड्रिंकेबल ट्रैप वाटर सप्लाई दिया जाए बाय 2024 यानी कि सरल भाषा में कहें तो हमारे देश की 16 करोड़ रूरल हाउस को इतनी रूरल हाउस होल्ड्स हैं लगभग एक परिवार में पाँच परिवारों का पाँच लोगों का परिवार माना जाए तो लगभग 80 करोड़ रूरल पॉपुलेशन है तो 16 करोड़ हाउस को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना जल जीवन मिशन का गोल है इसका टैगलाइन है हर घर जल एंड जल जीवन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभी ये जल जीवन मिशन चल रहा है लगभग तीन सालों से 2019 में लॉन्च हो गया लेकिन अगर जल जीवन मिशन में देखा जाए तो कुछ स्टेट्स तो बहुत आगे हैं जैसे आप देखो हरियाणा को गोवा को गोवा इनफैक्ट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन आर कंट्री टू अटेन दिस टारगेट हर घर जल मतलब 100 परसेंट कवरेज गोवा में हो गया फिर हरियाणा में हो गया तेलंगाना में हो गया देर आर मैनी यूनियन टेरिटरीज लाइक दमन मंद्यू दादरा नगर हवेली पोंडिचेरी अंडमान निकोबार दे हैव अटेंड हंड्रेड परसेंट कवरेज बट स्टेट्स लाइक बिहार आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट गुड इट हैज़ ए कवरेज ऑफ एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है इट रैंक्स ट्वेंटी एट्थ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन एंड ओनली थर्टी नाइन परसेंट ऑफ आसाम्स 63 थ्री लैक हाउस होल्ड्स है कवर्ड सो फॉर अंडर जल जीवन मिशन दैट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ आसाम स्टेट इज क्वाइट डिसमल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन क्या कारण हो सकता है उसके पीछे उसी पे ये आर्टिकल है यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एस ऑफिसर आकाशदीप साहब का ये इंटरव्यू है आसाम ट्रिब्यून में आया है ही इज़ इनफैक्ट एम डी ऑफ जल जीवन मिशन फॉर आसाम गवर्नमेंट तो उसमें उन्होंने बताया है कि तीन मुख्य कारण हैं जल जीवन मिशन के पुअर परफॉर्मेंस का आसाम में सबसे पहले तो जल जीवन मिशन लॉन्च होने से पहले आसाम के अंदर ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन की जो परसेंटेज थी वो बहुत कम थी बाकी स्टेट्स में वो ऑलरेडी हाई था फॉर एग्जाम्पल ही सेज कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन और बिफोर इनिशिएशन ऑफ जल जीवन मिशन हमारे स्टेट में बस 1.76 परसेंट रूरल हाउस होल्ड्स वेयर कनेक्टेड विथ फंक्शनल होल्ड हाउस होल्ड कनेक्शन जबकि नेशनल परसेंटेज वाज 18 परसेंट एट दैट टाइम नेशनल कवरेज वाज 18 परसेंट एट दैट टाइम तो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही पीछे थे फिर पैंडमिक आ गया 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ और बीस इक्कीस में पैंडेमिक आ गया और हर साल हमारे यहाँ डिवास्टेटिंग फ्लड आता रहता है जो रूरल एरियाज में ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है और इस कारण से जल जीवन मिशन का इंप्लीमेंटेशन हैज़ बिकम डिफिकल्ट इन रूरल एरिया तो दीज आर थ्री फैक्टर्स बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ असाम इन जल जीवन मिशन क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जल जीवन मिशन के ऑफकोर्स चाइल्ड मॉर्टलिटी को कम करेगा क्योंकि गंदा पानी पीने से प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया इंटेस्टाइनल वॉर्म होते हैं जिसके कारण फिर लूज मोशंस होते हैं बच्चों में और फिर दिस इज़ वन ऑफ द बिगर रीज़न बिहाइंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पुअर न्यूट्रिशन अगर डाइजेशन ख़राब होगा बच्चों का बचपन से ही तो पुअर न्यूट्रिशन होगा न्यूट्रिशन पुअर न्यूट्रिशन होने से पूरा का पूरा साइकिल कैसे बन सकता है पुअर न्यूट्रिशन से पुअर एजुकेशन पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ये साइकिल ही मैंने कल आपको वी सी एस साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशन लास्ट न्यूज पेपर एनालिसिस में बताया था तो ये सब चीजें एड्रेस की जा सकती हैं विथ हेल्प ऑफ जल जीवन मिशन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जैपनीज इंसेफेलाइटिस ऑन द राइज इन असाम टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर से लेवे जी एस पेपर फाइव असाम इस पॉइंट ऑफ व्यू देखो जैपनीज इंसेप्टेलाइटिस एक तरह की बीमारी है जिसमें ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ वायरस जिसको हम कहते हैं जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस अब ये वायरस देखो ये जो जापनीज इंसेफेलाइटिस बीमारी है जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण होता क्या है कि ब्रेन में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन में थोड़ी सी सूजन आ जाती है कई बार फीवर भी हो जाता है लेकिन फर्टिलिटी रेट इज़ क्वाइट लो मरने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा नहीं होती अब इस केस में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि फैटिलिटी बिल्कुल जीरो है देर हैव बिन थ्री जैपनीज इंसेफेलटिस डेथ फार इन जोरहट तो ऐसा नहीं कि जीरो है लेकिन हाँ फर्टिलिटी रेट इज़ लो अभी दिक्कत क्या है आसाम के अंदर जैपनीज इंसेफेलाइटिस वगैरह के इशूज़ ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस इट इज़ अ वेक्टर बॉन्न डिजीज़ वेक्टर बॉन्न डिजीज़ मतलब इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह से मॉस्क्यटोज से ये ट्रांसफ़र होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाता है विद हेल्प ऑफ दीज मॉस्क्यूटोज़ अब हमारे स्टेट आसाम में हर साल फ्लड आता है फ्लड होता है तो फिर मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग बढ़ती है मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग बढ़ती है तो फिर इस तरह के वेक्टर बोर्ड डिजीजे बढ़ जाते हैं और यही कारण है कि जुलाई से अगस्त महीने में जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसे डिजीज़ जो हैं वो राइस पे होते हैं एंड दिस इज दिस ईयर फिर से हैवी फ्लड आया है एंड दैट इज़ हाउ जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज ऑन द राइस एक चीज़ और पीटी टी परस्पेक्टिव से अब याद रखना कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज ए डिजीज़ दैट इज कॉज्ड बाय और स्प्रेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्क्यूटो जिसका ब्रीड है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है प्लीज टेम दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिल स्विच आन दिस टॉपिक इज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म पर्स्पेक्टिव मेन्स में इससे सवाल नहीं आएगा हाँ इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं मेन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ना करें यह पूरा क्या है किल स्विच समझो ये ऊबर जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और या टैक्सी एग्रीगेटर्स कह सकते हैं आप इसको ऊबर ऊबर के कई सारे सीक्रेट फाइल्स लीक हो गए हैं इट हैज़ बीन लीक्ड बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्सियम ऑफ जर्नलिज्म वो सब हमें नहीं जानना है मुद्दा ये है कि ऊबर के कुछ सीक्रेट फाइल्स लीक हो गए हैं जिससे ऊबर के कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जिससे हमें पता चलता है कि ऊबर कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी करता रहा है इलीगल एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज में एक काम क्या करता रहा है उबर कि उसने एक स्पेशल तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया है किल स्विच किल स्विच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऊबर तब अप्लाई कर देता है जब उसको लगता है कि उसको अपना कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना है तो इट यूजेज द किल स्विच सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ब्लॉक द इंफॉर्मेशन टू बी फ्लो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनी अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडीज़ इन पर्टिकुलर कंट्री फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टैक्स अथॉरिटी से तुमको ऊबर को कोई इंफॉर्मेशन छुपाना है तो इसके पहले कि टैक्स अथॉरिटी जो है कुछ कुछ चीज़ें और डाटा निकाले ऊबर से रिलेटेड दे विल अप्लाई द किल स्विच सॉफ्टवेयर दैट किल स्विच सॉफ्टवेयर विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स या इंफॉर्मेश फाइनेंशियल इंफॉर्मेश टैक्स अथॉरिटीज़ तो इस तरीके से ऊबर ने किल स्विच सॉफ्टवेयर बना रखा था जिसका वो इस्तेमाल अथॉरिटी से डाटा छुपाने में करता रहा है तो ये विमेन सिक्योरिटी को लेकर के भी उन्होंने स्किल स्विच डाटा का इस्तेमाल किया है कि भारत में या बहुत सारे ऐसे देशों में एक मैंडेट्री कर दिया गया था नॉर्म कि जब भी कोई भी कैब बुक करे तो उसमें सेफ्टी नॉर्म्स के लिए उनका लोकेशन वगैरह वो शेयर कर पाएँ अपने रिलेटिव्स वगैरह से अभी ये ऑप्शन दिखाता तो था ऊबर में लेकिन ये ऑप्शन हर बहुत बार 48 एट आउट ऑफ फिफ्टी केसेज में एक्टिव नहीं होता था मतलब उसमें सेफ्टी नॉर्म्स पैनिक बटन एक्टिव नहीं होता था देर वेयर सम ग्लीचेज इन दैट और ये जितने भी ग्लीचेज़ का इन्फॉर्मेशन है कि, कि कितने केसेज में ग्लीचेज हुए ये इन्फॉर्मेशन ऊबर के पास था लेकिन इसके पहले की अथॉरिटीज उसको एड्रेस ले पाते एक्सेस कर पाते वो किल स्विच बटन का इस्तेमाल कर देता था तो ये किल स्विच जो बटन है इसको डेवलप करने के लिए किल स्विच इज एक्चुअली ए बटन और उसको जिस सॉफ्टवेयर पे वो चलते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैस्पर बाद में उसका नाम हो गया रिप्ले तो पीटी में सीधा सीधा पूछ लेगा कैस्पर सॉफ्टवेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ या रिप्ले सॉफ्टवेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज इस तरह का कुछ वो पूछ लेगा तो उसके लिए आप रेडी रहना कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर देख लेते हैं तो होली इज़ नॉट इन यूनेस्कोज इन टेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट बाकी सब हैं तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए काट्सा लॉ में चाइना इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ ट्रेड सैक्शन एंड दैट इज व करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी अगर हेल्प की पॉलिसी देखी जाए तो इट इज इट रिप्लेस नेल्प इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एब्सोल्यूटली करेक्ट लेकिन हेल्प में देर वॉज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नॉट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग थर्ड इज अगेन करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन आई थिंक द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन सी आई विल मेक इट करेक्ट फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज रॉन्ग थर्ड इज़ करेक्ट because help brought revenue sharing not profit sharing i will correct it and then african swine fever is a viral disease and no vaccine has been developed so far the first statement is wrong second is right so the correct answer is option b that's all from our side for today thanks for watching